आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि सर 307 की धारा लगी, कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं, कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा, क्या किया जाए। साथियों, हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 320 में कुछ धाराओं का जिक्र किया गया है जिसके अंतर्गत अगर अपराध दर्ज किया जाता है तो आप उसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको कि आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। उनमें से भी एक धारा है 307। तो साथियों, इस मामले में कोर्ट एक, मैं आपसे जजमेंट शेयर कर रहा हूं जो कि हाई कोर्ट का है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ, 307 का मामला दर्ज किया गया था और जो आरोपीगढ़ थे वो आपस में कंप्रोमाइज करना चाह रहे थे। इसके बाद उन लोगों के द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष 482 के अंतर्गत क्रिमिनल पिटीशन फाइल की गई। जब उनके समक्ष पिटीशन फाइल की गई तो उनके अपने अपने फैक्ट का जिक्र किया गया कि भाई हम इस प्रकार से हमारे फैक्ट हैं, हम इसके आधार पर कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया। आप इन जजमेंट को देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि किस मामले में जिन धाराओं के अंतर्गत अगर कंप्रोमाइज नहीं भी किया जा सकता है, हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है सीआरपीसी 320 के अंतर्गत, उसके बावजूद भी 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उस मामले में कंप्रोमाइज करने का आदेश दे सकता है। अब आप ये दोनों जजमेंट देखिएगा और जजमेंट के अलावा जो चार इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं कि इनको फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपका जो मामला है वो 482 के अंतर्गत उसको कंप्रोमाइज किया जा सकता है, भले ही 320 में कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, भले ही सेशन कोर्ट इजाज़त नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट कंप्रोमाइज करने का आदेश दे सकता है। आप स्क्रीन पर देखिएगा, जो पहला मामला है ये है क्रिमिनल अपील राम गोपाल एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरा मामला है कृषप्पा एंड्रस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये भी क्रिमिनल अपील है। इसमें साथियों मुख्यतः चार फैक्ट बताए गए हैं कि किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑन द कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी, जो भी अपराध किया गया है वो किस प्रकृति का है और उस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अपराध कितना गंभीर नेचर का है। तीसरा, जो कंप्रोमाइज हो रहा है वो वॉलेंटरी हो रहा है, मतलब स्वेच्छा से हो रहा है या फिर कहीं दबाव देकर के तो नहीं हो रहा है। कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन प्रायर टू एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ द परपोर्टेड ऑफेंस एंड द अदर रिलेवेंट कंसिडरेशन, मतलब कि आरोपी का जो कंडक्ट है, आरोपी का जो नेचर है, किससे पहले ये अपराध किया है कि नहीं किया है, अपराध करने के बाद उसका व्यवहार कैसा था, अपराध करने के बाद उसने फिर से अपराध किया है, कहीं आदतन अपराधी तो नहीं है। तो अगर ये चार चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो वहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट 482 के अंतर्गत फाइल गई इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर आप जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। ये माता भीख सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के आपसे जजमेंट है, ये आप इसको पढ़िए।